Welcome to the Feasts of the Lord. परमेश्वर के उत्सव में आपका स्वागत है. We are studying the Feast of Passover and how it connects to the end times. हम फसह के पर्व को पढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इसका अंतिम समय के साथ क्या संबंध है. The Lord used the story of the Passover to tell the history of his son coming to earth the first time and the second time. पिता परमेश्वर ने फसह के पर्व की कहानी को इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हमें यीशु मसीह के पहले आगमन और दूसरे आगमन के बारे में बता सके. Whenever the Lord would do a great deliverance in Israel's ancient history, he was also painting a prophetic pattern for the future. जब भी प्रभु परमेश्वर इज़राइल के प्राचीन इतिहास में कुछ महान छुटकारे का काम करते हैं, वो भविष्य के लिए एक भविष्यवाणी के चित्र को भी बना रहे हैं. So every time you study one of the feasts of the Lord, you need to look at it over and over throughout history. तो जब भी आप परमेश्वर के किसी भी उत्सव को पढ़ते हैं, तो आपको देखना है कि इतिहास में कितनी बार दोहराया गया है. So you have the original historical event of the Israelites being rescued from Egypt. तो आपके पास इज़राइलियों का मिस्रियों से बचाए जाने वाला सबसे पहला ऐतिहासिक घटना है. Part of that original event was taking the blood of a lamb and painting it on the doorposts of the Israelite homes. उस सबसे पहले घटने का एक भाग ये था कि उन लोगों को एक मेमने के लहू को लेना है और सभी इज़राइलियों के द्वार पर लगाना है. So the Lord was preparing the people of Israel to recognize the coming of Messiah in a distant future generation. प्रभु इज़राइलियों को इस प्रकार तैयार कर रहे थे ताकि भविष्य में जब यीशु मसीह आएंगे तब वो उन्हें पहचान पाएंगे. And when the Lord judged Pharaoh in those progressive 10 plagues, he was preparing us to see how he deals with a wicked nation. और उन 10 विपत्तियों के द्वारा जब उन्होंने फिरौन के साथ न्याय किया तब वो हमें दिखा रहे थे कि जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ परमेश्वर कैसा व्यवहार करेंगे. When there were plagues on the Egyptian people, the Israelites living in the land of Goshen did not experience those same plagues. जब मिस्रियों के ऊपर मारी आई थी तो गोशन में रहने वाले इज़राइलियों के ऊपर वो मारी बिल्कुल नहीं आई थी. When the locusts ate all the green vegetation in Egypt, none of the Israelite plants were touched. जब टिड्डियों ने मिस्र के सारे पौधों को खा लिया था, इज़राइलियों के पौधों को बिल्कुल नहीं छुआ था. When heavy hailstones fell on Egypt and killed so many people, none of the hail fell in the land of Goshen where the Hebrews lived. जब भारी ओले गिर रहे थे और सारे मिस्रियों को मार डाल रहे थे, कोई भी ओले गोशन में नहीं गिरे जहां इज़राइली लोग रहते थे. One of the final plagues was that God struck the sun dark and there was darkness over Egypt for 3 days. सबसे आखिरी विपत्तियों में से एक ये था कि परमेश्वर ने सूर्य को अंधियारा कर दिया था और इसकी वजह से मिस्र में 3 दिन तक बिल्कुल अंधकार छा गया था. But in the region of Goshen where the Hebrews lived, there was plenty of light even though God had struck the sun itself. लेकिन इज़राइलियों की तरफ जो गोशन में रहते थे, सूर्य बहुत अच्छी तरह चमक रहा था, इसके बावजूद कि परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर के सूर्य को काला कर दिया था. And finally, when Pharaoh hardened his heart for the last time, God struck down every living firstborn son in all of Egypt. आखिर में जब फिरौन ने आखिरी बार अपने हृदय को कठोर कर दिया, प्रभु ने पूरे मिस्र के सारे पैलौठे पुत्रों को मार डाला. Do you see that God is painting a prophetic picture in the way he deals with those who are his enemies and those who are his own people? क्या आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु एक भविष्यवाणी के चित्र को रचते हैं इस अंतर को दिखाने के लिए कि कौन परमेश्वर के साथी है और कौन परमेश्वर के दुश्मन है? And so Passover is not just a feast celebrating a one-time historical event. तो फसह का पर्व एक ऐसा उत्सव नहीं है जो इतिहास में एक बार घटने वाली एक घटना को मनाने के लिए मनाया जाता है. It is also a prophetic pattern that you will see repeated over and over through history. ये एक भविष्यवाणी का ऐसा एक रूप है जिसे आप इतिहास में बार-बार दोहराते हुए देखोगे. And it will have its final fulfillment in the Battle of Armageddon, where Jesus is the greater Moses and Antichrist is the greater Pharaoh. ये आखिर में अर्मगेदोन के तराई में पूरा होगा, जहां यीशु मसीह महान मूसा है और अंतिक्रिस्त महान फिरौन है. All of the feasts in the Bible follow that pattern. बाइबल के सभी उत्सव इसी रूप का पालन करते हैं. In other words, they have their original meaning in their ancient time. दूसरे शब्दों में प्राचीन काल में उनका एक अलग मतलब होता है.
But God is giving a much bigger message in each feast about his dealings with his people throughout history. लेकिन इतिहास में प्रभु कैसे अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हैं इसके बारे में इन सारे उत्सवों के द्वारा प्रभु हमें एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं. They're all showing us where this is all going to its final culmination. ये सब हमें दिखा रहे हैं कि अंत में ये सब हमें कहां ले जा रहे हैं. In our other teachings on the feasts, we closed in on many great details about each feast and how it's celebrated. उत्सवों के बारे में दूसरे पाठ जब हमने लिए थे तब हर उत्सव को बहुत गहराई में हमने देखा था. But in this series, we're going to be stepping back and looking at the big picture of how the feasts are an end-time prophetic pattern. लेकिन इस भाग में हम जरा पीछे हटके बड़ी तस्वीर को देखेंगे कि किस प्रकार ये सारे उत्सव अंतिम समय में काम आते हैं. And so as we looked at the plagues which happened to Egypt but didn't happen in the land of Goshen. तो जब हमने देखा कि वो सारी विपत्तियां मिस्र में आई लेकिन गोशेन में नहीं आई. You have to ask yourself, what is the bigger statement that God was trying to show us by doing this? तो आपको अपने आप से पूछना है कि ऐसे करने से प्रभु आपको क्या सिखाना चाहते हैं? He's trying to show us what Malachi 3 told us. वो हमें ये दिखाना चाहते हैं जो मलाकी 3 में लिखा है. The statement is, I am a God who can make a distinction between people. वहाँ ये लिखा है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो लोगों के बीच अंतर ला सकता हूँ. I can send judgments on one region, but protect another region that's just a short distance away. मैं एक जगह में न्याय ला सकता हूँ और उसी समय उसके सामने वाले दूसरे जगह में न्याय को आने से रोक सकता हूँ. I can make a distinction between the firstborn in every family in a nation and the secondborn and the thirdborn and the fourthborn. मैं हर देश के हर परिवार के पहलौठे पुत्र और दूसरे तीसरे और चौथे पुत्र के बीच में अंतर दिखा सकता हूँ. So God is so intelligent that he could look at every family in Egypt and know which one was the firstborn in every family. तो प्रभु इतने ज्ञानी हैं कि वो मिस्रियों के हर परिवार को देखकर ये बता सकते हैं कि उनमें से पहलौठा कौन है. Not only that, but God could look at every animal in Egypt and every flock and know which animal was the firstborn of its family. सिर्फ यही नहीं, प्रभु सारे जानवर और उनके झुंड को देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सा जानवर उस परिवार का पहलौठा है. So God is trying to let us know that he can make a distinction and punish one and save another right next door. तो प्रभु हमें ये बताना चाहते हैं कि वो अंतर ला सकते हैं और एक घर के लोगों को दंड देकर उसके बिल्कुल करीब दूसरे घर के लोगों को बचा भी सकते हैं. Joel the prophet tells us that he who calls upon the name of the Lord will be saved. योएल नबी हमें बताते हैं कि जो प्रभु के नाम को पुकारता है वो बचाया जाएगा. You could be living in a region where a terrible calamity comes upon that region, like a flood or an earthquake. आप ऐसे जगह में जी सकते हैं जहाँ बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़. We are living in the last days, and we are going to see many of these terrible natural disasters taking place. हम अंतिम समय में जी रहे हैं और हम ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं को देखने जा रहे हैं. It would be very natural for all of us to feel terrible fear about what is coming and how we will save ourselves and our families. ये बहुत ही साधारण बात होगी कि हम सब बहुत ही डरे हुए होंगे उन बातों को देखकर जो आने वाला है और हम ये सोच रहे होंगे कि किस प्रकार हम अपने परिवार को और अपने आप को इन सब से बचा सकें. But the Lord wants you to remember his promise. लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आप उनके वायदे को याद रखें. He says, in that day, I will make a distinction between those who fear God and those who do not. प्रभु ने कहा कि उस दिन वो एक अंतर लाएंगे उन लोगों के बीच जो उनसे डरते हैं और जो उनका डर नहीं मानते. When the Bible says fear God, it doesn't just mean I'm afraid of God. जब बाइबल कहती है कि प्रभु से डरो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परमेश्वर से बहुत डर रहा हूँ. In the original Hebrew language, the expression to fear God has a very exact meaning. प्राचीन इब्रानी भाषा में हम देखते हैं कि परमेश्वर के डर मानने में जो डर शब्द है उसका अर्थ बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो कहता है. To fear God means that you know that there is one in heaven whose eyes see everything you do and think. परमेश्वर के डर मानने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि स्वर्ग में ऐसा कोई है जो वो सभी बातों को देखते हैं जो आप करते हैं और जो सोचते हैं. And to fear that one true God means that you honor him, you worship him, and you walk in his ways.
ऐसे एक सामर्थ्य और एकमात्र सच्चे प्रभु को डरने का मतलब ये है कि आप उनका आदर करें और उनकी आज्ञाओं को माने और वो जो भी करे उसी प्रकार आप अपना जीवन व्यतीत करें। It means that his opinion about your life is the only opinion that should matter to you, not the opinion of your friends and family. इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के प्रति उनका जो उद्देश्य है सिर्फ वही आपको मान्य रखना है, ना कि आपके परिवार और दोस्तों की राय। Other people might be accusing you of all sorts of terrible things, but if God says you're innocent, then you're innocent. दूसरे लोग आप पर कई बातों का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु कहते हैं कि आप निर्दोष हैं, तो आप सचमुच में निर्दोष हैं। On the other hand, many people could say wonderful things about how great you are, but if God sees hidden wickedness in your heart, it doesn't matter what they say. दूसरी तरफ वो आपके बारे में बहुत ही ऊंचे और अच्छी बातें बोल सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु उससे खुश नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। And the Bible tells us that God puts an invisible mark on his servants who keep his ways, and he alone can see that mark. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर के जो दास प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उनके ऊपर प्रभु अपना निशान लगाते हैं, जो सिर्फ प्रभु ही देख सकते हैं। We first read about this godly mark in Exodus chapter 13 and verse 8. सबसे पहले इस निशान के बारे में हम निर्गमन 13 उसके 8 में पढ़ते हैं। On that day, tell your son, I do this because of what the Lord did for me when I came out of Egypt. और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को ये कहकर समझा देना कि ये हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय में हमारे लिए किया था। So when the Israelites would remember God every year at Passover, they would rehearse all the miracles he did to set them free. तो जब इज़राइली लोग हर साल फसह के दिन को याद करते हैं और उसे मनाते हैं, तो वो उस बात को याद करते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने उन्हें छुड़ाया और उन सारी विपत्तियों पर भी ध्यान देते हैं। And from the days of the original Exodus in 1400 BC all the way up to the Lord Jesus, every generation kept Passover year after year. 1400 BC में जब सबसे पहली बार निर्गमन को मनाया गया था, उस समय से लेकर यीशु मसीह के जन्म तक हर साल वो फसह के पर्व को मनाते आ रहे थे। So by the time the Lord Jesus, Yeshua, was having that Passover supper with his disciples, his ancestors had been doing that for 1400 years. जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह के पर्व के भोजन खा रहे थे, उससे पहले उनके पूर्वजों ने 1400 साल तक ऐसे किया था। And so at that time when the Lord Jesus sat down to have that last supper with his disciples, there was something already in their hearts. तब उस समय में जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठकर फसह के पर्व का भोज कर रहे थे, उनके हृदय में कुछ पहले से ही था। He was teaching them that although they did it every year for 1400 years, this Passover would have a whole new meaning because he was the Lamb of God. वो उन्हें ये सिखा रहे थे कि इसके बावजूद कि 1400 साल से ये लोग ऐसे करते आ रहे हैं, लेकिन इस फसह के पर्व में जब यीशु मसीह उनके पास है, उसका अर्थ बिल्कुल अलग है, क्योंकि यीशु मसीह ही वो मेमने हैं जो उनके पापों के लिए बलि चढ़ाए गए थे। He was saying, in the past, you rehearsed how my father set you free from slavery in Egypt. वो ये कह रहे थे कि अतीत में जो आप मना रहे थे, वो इसलिए था कि आप उस बात को याद कर रहे थे कि मेरे पिता ने किस प्रकार आपको मिस्र देश से छुड़ाकर बाहर लेकर आए। But from now on, you will celebrate an even greater escape from slavery. लेकिन अब से उससे भी महान दास्तवता में से छुटकारे का एक उत्सव को आप मनाएंगे। Because the blood of the lamb in ancient times could only save you from physical death. क्योंकि प्राचीन काल में मेमने का जो लहू है वो सिर्फ आपको शारीरिक मृत्यु से बचा सकता है। Let's read what he said about his own blood in Luke 22 verses 19 to 20. आइए लूका 22 उसके 19 से 20 तक परमेश्वर ने अपने लहू के बारे में जो कहा था उसको पढ़ते हैं। And he took bread and gave thanks and broke it and gave it to them saying, This is my body given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरा उस लहू में से जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है।
So the ancient Exodus now was given a whole new level of prophetic meaning. तो प्राचीन निर्गमन को भविष्यवाणी के रूप से एक बिल्कुल नया मतलब मिल गया है. And he would also connect the Passover to his second coming thousands of years in the future. फसह के पर्व को यीशु मसीह के दूसरे आगमन जो भविष्य में हजारों साल बाद होने वाला है उसके साथ भी ये संबंध करते थे. The blood of the Lamb of God, Jesus, is actually a protection against eternal spiritual death. प्रभु का मेमना यीशु मसीह का जो लहू है वो अनंत काल के मृत्यु से हमें बचाते हैं. His blood is rescuing us from a far greater evil than Pharaoh. उनका लहू हमें फेरौन से भी बहुत ही खतरनाक दुष्टता से बचाता है. His blood is rescuing us from the punishment of our own sins. उनका लहू हमें अपने ही पाप के दंड से छुड़ाता है. Anyone who sins is a slave to sin. जो भी पाप करता है वो पाप का दास है. And we cannot rescue ourselves from the slavery to that sin nature. और हम अपने आप को उस पाप के दासत्वता से नहीं बचा सकते. And so we see how the blood of the lamb fulfills Passover again and again. तो हम फिर से देखते हैं कि किस प्रकार मेमने का लहू फसह के पर्व को बार-बार पूरा करता है. In our next lesson, we'll connect the Passover to the second coming of the Lord. अगले पाठ में हम देखेंगे कि किस प्रकार फसह का पर्व यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंध रखता है. And until then, may the Lord bless you. और तब तक प्रभु आपको आशीष दे. If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Angel Television, Vilivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए. एंजल टेलीविजन, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत. हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org.